बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घर का फर्नीचर पुराना हो चुका है और उसकी चमक मान पड़ गई है और उसको दोबारा से आप चमकदार बनाना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 1500 से 2000 रुपये का खर्च होगा। ये वीडियो एंड तक देखें, आपको सब मालूमात मिलेंगी। इसके लिए हमें चाहिए वार्निश और तारपीन तेल, या मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन तारपीन तेल अच्छा है। एक ब्रश, ये तीन चीज़ें हमें चाहिए होंगी। वार्निश को आपने एक साफ डब्बे में डाल देना है और उसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा, जितना वार्निश लिया उससे आधे से ज़्यादा हमने तारपीन तेल डालना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो फर्नीचर है आपका, पहले उसको अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। उसके ऊपर कोई मिट्टी धूल वगैरह या दाग दो नहीं होने चाहिए। पहले उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उसके बाद ब्रश की मदद से उसके ऊपर लगाएं। ये देख सकते हैं जिस तरह के मैं लगा रहा हूँ। ये कपड़े की मदद से भी लगा सकते हैं, मलमल के कपड़े की मदद से, जो पॉलिश वाला कपड़ा होता है, लेकिन ब्रश की मदद से लगाने से उसके ऊपर अच्छी सतह बन जाती है और ज़्यादा चमक नज़र आती है। तो इस तरह फर्नीचर को चमकदार बनाने में आपका ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है और ख़ुद अपने घर पर ये काम भी कर सकते हैं। बस पेंट वाली दुकान से एक वार्निश का डब्बा लेना है, तकरीबन 1000 का या 1200 का, 800 का भी मिल जाता है, लेकिन अच्छे वाला बर्जर का या ICI कंपनी का तकरीबन 1200 रुपये तक मिल जाता है। और एक तारपीन की बोतल या गैलन ले लेना है, तकरीबन 1 लीटर तारपीन होनी चाहिए। 1 लीटर उसमें पूरा नहीं डालना है तारपीन, बस आधे से थोड़ा ज़्यादा डाल दें। और 1 अदद ब्रश, ये तीन चीज़ें चाहिए। तकरीबन 1500 से 2000 रुपये का खर्च आ जाता है और आपका घर का फर्नीचर, जिसमें एक बेड, सोफ़ा सेट और अलमारी टेबल वगैरह, ये इनको दोबारा से नए जैसे चमकदार बना सकते हैं। देख सकते हैं आप जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह आप भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि कहीं से ये जगह कोई रह ना जाए और इसमें ढलक ना आने पाए। कहीं ज़्यादा लग जाता है तो बाद में उसकी ढलक आ जाती है, लेकिन वो ढलक नहीं आनी चाहिए। जब एक हिस्सा आप ख़त्म कर लेते तो उसके ऊपर दोबारा से खुशक ब्रश जो है साफ करके उसके ऊपर सारा मार दें तो वो डलक ख़त्म हो जाती है। तो चलिए इसको ख़त्म होने के बाद देखते हैं कैसे दिखाई देता है। ये अभी मुकम्मल हो गया है, इसका ऊपर वाला साइड ये देख सकते हैं आप कैसे इसमें शाइनिंग चमक नज़र आ रही है, बिल्कुल नए जैसा हो गया है। अभी पूरा फर्नीचर पॉलिश होने के बाद, वार्निश होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे नज़र आता है पूरा फर्नीचर।
है अभी हमारा फर्नीचर, सारे फर्नीचर को वार्निश लगा दिए और ये बहुत अच्छे से इसमें शाइनिंग आ गई है, ज़बरदस्त चमक है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल नया जैसा हो गया है, ज़बरदस्त शाइनिंग है, देख सकते हैं आप। पूरा फर्नीचर हमने कर दिया है। आप भी इसी तरह अपने पुराने फर्नीचर को वार्निश लगाकर नए जैसा बना सकते हैं। और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर पॉलिश पेंट के डिज़ाइनिंग की वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई से नई वीडियो और नए डिज़ाइन देखने के लिए और उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।